दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक सुंदर वीडियो दिखा रहा हूँ जो बच्चे लोगों का कुर्ता कटिंग किस तरह होते करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिए। आप पहली बार चैनल देखते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए। इसमें सिर्फ आपको कटिंग पार्ट ही आएगा, इसका सेकेंड पार्ट में आपको सिलाई और एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी इसमें आ जाता है। इसमें देखिए, इसमें जो सारे मेजरमेंट मैंने इसमें दिया हुआ है, इसका लेफ्ट साइड में मैंने वो पूरा ये वीडियो के एंड तक आपको दिखाई देगा, और जो भी मैं मार्किंग कर रहा हूँ वो आपको अलग आपको दिखाई देगा। सेम अलाउंस के साथ मैं मार्किंग कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़ा इसी तरह फोल्ड किया हुआ है। ये देखिए, इसमें लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, ये कपड़े में ये ज़्यादा कपड़ा है, इसलिए मैं इतना जितना हमें ज़रूरत है उतना मैं इधर फोल्ड कर रहा हूँ। ये डबल लेयर रख के इसी तरह मैं फोल्ड कर दिया। इसमें जो ज़्यादा चौड़ाई इसमें आता है 9 इंच का आता है, उससे थोड़ा ज़्यादा आप लोग रख के ज़रूर इसी तरह फोल्ड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये 10 इंच तक की है, इसी तरह आप लोग भी फोल्ड कर देने का। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले मैंने इसका शोल्डर मार्किंग कर रहा हूँ। इसमें जो मार्जिन इसी तरह डाला हुआ है, जो सीम अलाउंस शोल्डर में 1/2 इंच सीम अलाउंस डाला हुआ है, और बाकी जो भी बॉडी है उसमें पूरा मैंने 1 इंच का हिसाब से सीम अलाउंस छोड़ा हुआ है। आप लोग ज़रूर वो ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि मैंने जो साइड में मार्किंग लिख के रखा हुआ है उसमें सीम अलाउंस नहीं है, उसके साथ में सीम अलाउंस जोड़ के इधर मार्किंग कर रहा हूँ, वही मैं अलग अलग इसमें लिख के भी आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए, शोल्डर टॉप मैंने 1 इंच छोड़ा है ऊपर से, ठीक है। अभी उसके बाद में मैं शोल्डर टॉप के बाद में 1.25 इंच का मार्किंग इधर चेस्ट लाइन का कर रहा हूँ। उसके बाद मैं उसको भी इसी तरह लाइन में बना देता है। अभी वो जो उसका जो मार्किंग है वो मैं इधर कर लेता हूँ। जो चेस्ट राउंड है, चेस्ट राउंड का मेजरमेंट देखिए, इधर मैं मार्किंग कर रहा हूँ। चेस्ट राउंड हमारा आ रहा है 8 इंच का, 8 इंच का चेस्ट राउंड आ रहा है, वो इधर मार्किंग कर लिया। अभी उसके बाद में हमें जो मार्क करना है, वेस्ट लाइन का मार्क करना है। जो चेस्ट लाइन हमने बनाया उधर से 5.5 इंच नीचे वेस्ट लाइन मार्किंग कर लेने का, उसके बाद में 5.5 इंच नीचे हम हिप लाइन भी मार्किंग कर लेता हूँ। अब ये दोनों मार्किंग हो गए, इसको हम लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद में जो वेस्ट राउंड और हिप राउंड का मार्किंग भी इधर दे देते हैं। देखिए, वेस्ट राउंड इसमें मार्किंग कर रहा हूँ 7.5 इंच और हिप राउंड 7.5 इंच में हम मार्किंग कर लेते हैं। आपको मार्किंग शायद अच्छी तरह दिखाई नहीं देते होगा, लेकिन आप ये जो मार्किंग अपने कपड़े में ज़रूर मार्किंग कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी उसके बाद में लेंथ मार्किंग कर लेने का 34.34 इंच जाइए, 34.25 इंच इसी तरह मार्किंग करके अभी हमारा ये साइड पूरा मार्किंग हो गया। अभी जो विड्थ है, विड्थ इसका 9 इंच है, 9 इंच इधर मार्किंग कर लेने का। मार्किंग करके हम अभी पूरा इसको शेप कर लेते हैं, जो नीचे से हिप लाइन तक इसी तरह स्ट्रेट स्केल रख देता है। उसके बाद में हिप कर्व रख के हम इसी तरह मार्किंग कर लेते हैं, चेस्ट से वेस्ट तक हम हिप कर्व इसी तरह रख लेते हैं। उसके बाद में उसको इसी तरह रख के मार्किंग कर लेने का, तभी हमारा पूरा मार्किंग इधर तैयार हो गया हुआ है, ठीक है। अभी हम इधर आर्म होल का शेप भी इसी तरह दे देता है, ठीक है। अभी हमारा आर्म होल भी तैयार हो गया, अभी हम इसको काट के निकाल देना। उसके पहले हम इसका गले का मार्किंग कर लेता हूँ। गले का चौड़ाई मैंने इसमें 2 इंच रख देता है, और इसका डेप्थ में 3.25 इंच इसका डेप्थ भी रख देता है। उसके बाद में गले को भी इसी तरह शेप दे देता है। ठीक है, अभी गले का भी शेप हो गया। उसके बाद में उधर से हम शोल्डर स्लोप इसी तरह मार्किंग कर लेता है। अभी हमारा मार्किंग पूरा हो गया, अभी हम इसको काट के निकाल देता है।
अभी देखिए दोनों पीस हमारा काट के हो गया। अभी इसका गला काट लेना है। सबसे पहले शोल्डर स्लोप इसी तरह काट देता हूँ, इसके बाद में हम इधर गला भी इसका काट देना है। गला काटने के लिए सबसे पहले अंदर से नीचे जो पीछे वाला पीस को इसी तरह मोड़ देने का, फिर इसी तरह नेक काट देने का फ्रंट वाला। ठीक है, अभी पीछे वाला नेक भी इसी तरह मार्किंग कर लेते हैं। इसमें आधा इंच का डीप करके हम मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा कटिंग इधर हो गया जो बॉडी वाला। अभी हम इसका स्लीव का कटिंग कर लेते हैं। वो भी कटिंग आप लोग देख लीजिए, ये देखिए फ्रंट और बैक में क्या फ़र्क है करके। ठीक है, दोनों पीस तैयार हो गया। अभी हम इसका स्लीव कटिंग कर लेते हैं। इसके पहले अभी हम ये जो फ्रंट पीस है इसमें फ्रंट आर्म होल भी डीप काटना पड़ेगा, उसको काट लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह अभी हम फ्रंट आर्म होल भी इसका काट के तैयार हो गया। अभी स्लीव काट लेता हूँ। अभी हमारे स्लीव के लिए इधर इसको फोल्ड करना है। फोल्ड इसी तरह हम कर लेते हैं, जितना हमें आर्म होल का डेप्थ है वो डेप्थ के हिसाब से एक इंच ज़्यादा रखे हम इसको फोल्ड किया हुआ है। अभी दो लेयर है ये, दोनों स्लीव हम एक ही टाइम काट के निकाल देते हैं। सबसे पहले ये जगह हम लेवल कर देते हैं एक साइड। यह लेवल करने के बाद में इधर से हम स्लीव कैप के लिए 2 इंच छोड़ देता है स्लीव स्लॉप के लिए। उसके बाद में देखिए हम इधर एक छोटा सा लाइन बना देता हूँ। उसके बाद में जितना हमारा आर्म होल का साइज है उसको इसी तरह मार्किंग कर लेता है। 6.5 इंच है हमारा मार्किंग, वो 6.5 इंच इधर इसी तरह मार्किंग है। उसके बाद में 1 इंच हम सीम अलाउंस भी मार्किंग कर लिया। अभी इसका लंबाई देखिए 13.5 इंच इसका लंबाई है, 12 इंच का लंबाई और 1.5 इंच इसका सीम अलाउंस है। वो दोनों अलग अलग मार्किंग कर लेने का। ठीक है, जो 1 इंच छोड़ के हमने मार्किंग किया, उधर हम जो स्लीव ओपनिंग है 4.25 इंच, वो 4.25 इंच और 1 इंच सीम अलाउंस एक्स्ट्रा इधर मार्किंग कर लेने का। हम बॉडी में भी 1 इंच का मार्जिन दिया हुआ है, इसलिए स्लीव में भी वही सेम हिसाब से हम मार्जिन छोड़ दिया हुआ है। अभी इसी तरह शेप देके इसको भी हम काट के निकाल देते हैं। अभी ये जो स्लीव वाला शेप किस तरह देते करके जरूर देख लीजिए आप लोग। हम सबसे पहले इसको एक लाइन खींच लिया, लाइन खींचने के बाद में सिंपल इसी तरह शेप दे देता है। अभी पीछे वाला शेप हो गया, अभी ये आगे वाला स्लीव वाला शेप भी तैयार हो गया अभी हमारा। अभी ये स्लीव हम काट के निकाल देते हैं। अभी देखिए जो कुर्ती या कुर्ता कमीज का जो पैटर्न काटता है बहुत ही आसान तरीका है ये। इसी तरह आप लोग काटना सीख लीजिए स्लीव किस तरह काटा करके। कभी कभी आप लोग को स्लीव में और आर्म होल में फ़र्क आ जाता है, लेकिन इसी तरह आप कटिंग करेगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अभी स्लीव कटिंग हमारा पूरा हो गया। अभी इसका जो स्लीव जो फ्रंट साइड है जैसा हम फ्रंट आर्म होल काटा है उसी तरह हम इस स्लीव भी काट लेते हैं। इधर एक नॉच काट देते हैं सबसे पहले। अभी इसके साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म हो गया। अभी आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है तो ज़रूर आप लोग लाइक करके शेयर करना और अपना कमेंट भी करना ना भूलिए।
अभी इसका सिलाई का वीडियो आप जरूर देख लीजिए, इसमें एम्ब्रॉयडरी भी बहुत बढ़िया एम्ब्रॉयडरी करके दिखाऊंगा मैं आपको, और स्टिचिंग भी आप लोग देख लीजिए उसमें किस तरह इसका स्टिचिंग भी हो जाता है करके। अभी अगले वीडियो के साथ मिलता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।